सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज मैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक गणित के हिसाब से आपको बताऊंगा कि जिनका मूलांक 3 है उनके लिए साल 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। जब भी नया साल आता है तो हम में से अधिकांश लोगों के मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि नए साल की बंद मुट्ठी में उनके लिए क्या होगा, नए साल में क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और बिजनेस कैसा चलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगी या नहीं, मनचाही जगह पर तबादला होगा या नहीं, कैरियर में कौन सा मुकाम हासिल होगा, जीवन में क्या खोएंगे क्या पाएंगे, यानी तरह तरह के सवाल जो है वो जहन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। मैं आज की इस पोस्ट में अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। एक तो 12 राशियों के हिसाब से ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए जो ज्योतिषी है वो वार्षिक भविष्यफल तैयार करते हैं, और एक तरीका अंक ज्योतिष का होता है यानी न्यूमरोलॉजी का होता है, जिससे जन्म की तिथि के आधार पर वो जो है वार्षिक भविष्यफल या मासिक भविष्यफल तैयार किया जाता है। मैं अपने पेज पर और अपने YouTube चैनल पर सभी 12 राशियों का वार्षिक भविष्यफल इससे पहले प्रस्तुत कर चुका हूं, और अब अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको ये बता रहा हूं कि नया साल आपके लिए क्या सौगातें लेकर के आ रहा है, किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियाँ मिलने वाली हैं। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक के जरिए आप उसकी खूबियां जान सकते हैं, कमियां जान सकते हैं, उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। इनमें 1 से लेकर के 9 अंकों का विशेष महत्व होता है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि 9 अंकों का संबंध हमारे 9 ग्रहों से होता है, और प्रत्येक नंबर जो है वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे अंक 1 जो है वो सूर्य का प्रतीक है, अंक 2 जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है, अंक 3 जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, अंक 4 राहु का अंक है, अंक 5 बुध का है, अंक 6 शुक्र का है, अंक 7 जो है वो केतु का है, अंक 8 शनि का है, और अंक 9 जो है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से लेकर के 9 अंकों को शामिल किया गया है, इसमें शून्य को शामिल नहीं किया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन को मुख्यतः 3 तरह के अंक प्रभावित करते हैं, इनमें पहला है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक और तीसरा है नामांक। इनमें से जो व्यक्ति का मूलांक है वो जन्म तिथि के जो अंक है उनको जोड़ करके आता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 21 सितंबर को होता है तो 21 में 1-2 का अंक आता है और 1-1 का, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 का अंक बनता है, तो इस तरह उस व्यक्ति का मूलांक 3 हुआ। अगर किसी व्यक्ति की पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 नवंबर 1965 है तो इन सब अंकों का जोड़ 25 बनता है, और 25 को अगर जोड़ा जाए तो 5 और 2 7 बनता है, तो भाग्यांक 7 हुआ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साल 2023 का जो कुल जोड़ है, साल 2023 का जो अंक है उसमें 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 कुल जोड़ जो है वो 7 अंक बनता है, और 7 अंक के स्वामी केतु ग्रह हैं। केतु कैसे ग्रह हैं? जिन्हें रहस्यमय ग्रह कहा जाता है, विपरीत प्रकृति वाला ग्रह माना जाता है, ये आपको आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनाता है, यह रहस्यमय ग्रह है इसलिए जान पाना मुश्किल है कब शुभ फल देगा और कब अशुभ फल देगा। लेकिन साल 2023 में अगर हम 2023 के अंकों को देखें तो 2 का अंक 2 बार आया है, और 2 का अंक जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस साल आपके जीवन में चंद्रमा का खास प्रभाव रहेगा। इसके अलावा इसमें 3 का अंक भी शामिल है जो बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो है वो गजकेसरी योग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, इसलिए खास करके स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। आज की इस पोस्ट में मैं दर्शकों को ये बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों का मूलांक 3 बनता है उनके लिए साल 2023 अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर के आ रहा है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को होता है उनका मूलांक 3 होगा, और मूलांक 3 वाले लोगों के लिए नया साल यानी साल 2023 कई मिले जुले अनुभव लेकर के आ रहा है। 3 अंक के स्वामी बृहस्पति हैं। मूलांक 3 के लोग अक्सर अत्यंत उत्साही और संघर्षों का डटकर सामना करने वाले होते हैं। इनके भीतर कुछ नया करने की ललक बनी रहती है। इनकी खासियत ये होती है कि अक्सर अपनी कम कहते हैं, दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। ये अपना लक्ष्य पाने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा साज श्रृंगार करना पसंद नहीं होता। 3 के अंक वाले जातक जो हैं वो सादगी से जीवन जीना पसंद करते हैं। मूलांक 3 के लोगों के लिए ये साल जो है वो लक्की साबित होने वाला है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने के आसार बनेंगे, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति पिछले साल से बेटर होगी, यानी साल 2022 की बनिस्बत
साल 2023 आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कैरियर में आप अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। इन्वेस्टमेंट की है तो उसका लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह पर तबादला हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अच्छे पैकेज पर आप किसी दूसरी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। ये साल जो है मुख्य रूप से जो लोग मीडिया लाइन से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए खास तौर पर यह बहुत शानदार रहने वाला है। नए साल में आपके कई सपने पूरे होने की उम्मीदें बनती हैं और आपको थोड़ा स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। जो मूलांक 3 वाले लोग हैं, इनके लिए मान सम्मान, धन और सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। और सरकार और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए साल शुभ रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। समाज में आपका यश और मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, लोग आपके काम की, आपकी कार्यशैली की, आपके फैसलों की प्रशंसा करेंगे। और आपके बेटे के कैरियर में भी काफ़ी परिवर्तन आएगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। साल का जो मध्य भाग है वो जीवन में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। ये परिवर्तन अचानक से होंगे। आपको अपने कुछ विरोधियों से प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का सामना करना भी पड़ सकता है। ये साल प्रेम विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उन्हें जीवन साथी मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन मनचाही जगह पर होगा। और जो लोग विद्यार्थी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी सफलता हासिल होगी। और अभी तक आप जो काम करते आए हैं उसमें उन्नति होगी और आपके कुछ ऐसे काम भी बनेंगे जिनके प्रति आप अभी तक निराश हो गए थे। आपको कोई नए अनुबंध करने का मौका मिलेगा। युवाओं को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश से नौकरी के ऑफर आएंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खास तौर पर सफलता मिलने वाली है। तो ये था, जिनका मूलांक 3 है उनके लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।